इस वक्त उधर से बड़ी खबर आ रही है जहां बाला बच्चन को विरोध का सामना करना पड़ा है। हमारे साथ वो युवा मौजूद है जिसने विरोध किया। कपिल, क्यों विरोध किया, क्यों नारेबाजी करी आप लोगों ने? विरोध करने का यूं है कि इनका एक वीडियो वायरल हुआ है जो परसों मुझे मिला है। इन्होंने बताया कि कार्यकर्ता और युवा जो बीजेपी के हैं ये दारू कुत्ते हैं, और इन्होंने इनके जनसंपर्क में आने से पहले पुलिस को सूचना दी कि इन युवाओं को वहां से जो झंडा चौक उजर की चौपाटी है वहां से हटा दिया जाए। अच्छा, किस क्या नारेबाजी करी आपने, क्या चाहते हैं आप लोग? नारेबाजी ये इसलिए करी हमने कि जहां हम खड़े थे ये हमारे पास आए और हमने ये बताया कि माफ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज जी। और नाराजगी का कारण ये है कि इन्होंने युवाओं को दारू कुट्टा बताया है। अच्छा, जो वीडियो वायरल हुआ, जिस वीडियो के बारे में बता रहे हैं आप, ये वीडियो कब का और क्या कहाँ का वीडियो है ये? ये जानकारी में तो नहीं है सर, लेकिन उसमें विधायक बाला बच्चन दिख रहा है और उनने ये वीडियो कल या परसों का ही वीडियो है शायद। कपिल जी, हमसे बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हम आपको बताते हैं कि बाला बच्चन ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। उजर में आपके सामने एक नारे लगे कि किसी ने नारा महाराज नहीं, माफ करो महाराज वाले नारे लगे, वीडियो वायरल हो रहा है, वो एक आध भाजपा के कार्यकर्ता हो सकते हो? आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप बीजेपी को बुरा बोल रहे हैं, बीजेपी को बीजेपी में शब्द कह रहे हैं, उनका कहना है कि बीजेपी वाले शराबी हैं ये? आप ऐसा नहीं, हम जिन गाँव में अगर गए हैं एक आध कुछ गाँव में हमारी सभाओं में शराब पीकर कुछ लोग गदर करने के लिए आ गए थे, ठीक है, और वो हमारे प्रतिद्वंदियों का षड्यंत्र हो सकता है, ठीक। बाला बच्चन साफ तौर पर कहते हैं कि उनका कोई विरोध नहीं हुआ और एकाध भाजपा कार्यकर्ता द्वारा ऐसा किया गया होगा। वायरल वीडियो पर उनका कहना है कि यह विरोधियों का षड्यंत्र हो सकता है। अब यह तो भविष्य के गर्त में छुपा है कि यह वीडियो सही है या गलत, लेकिन इतना जरूर है कि इस वीडियो से राजनीति गर्मा गई है।